गुड मॉर्निंग ऋषिका। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है ऋषिका, जिन्होंने IIT JEE एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो ऋषिका, सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और IFS की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका IIT JEE क्वालिफाई हुआ। मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। सर, जैसे आपने मेरा नाम बताया, ऋषिका नाम है मेरा, ऋषिका यादव। और सर, मैं यूपी की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे गोरखपुर। और मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन करा है PSM PG कॉलेज सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से। और सर, IIT JEE की बात करें कि कहाँ से मेरे को आइडिया पता चला, सर वो गूगल स्क्रोलिंग एंड यूट्यूब के थ्रू मेरे को पता चला था कि बहुत सारे PYQ आप लोगों ने करा रखा है, जैसे आपकी कोचिंग IFS है, फिजिक्स बाई फिजिका करके है, तो उसके थ्रू मुझे पता चला था सर IIT JEE के बारे में। अच्छा, IIT JEE के बारे में आपको पता लगा, तो ठीक है, आपने बताया मुझे, आपने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से आपको IIT JEE के बारे में पता लगा, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो IIT JEE की प्रिपरेशन आप क्यों करना चाहती थी, मतलब उसके पीछे का क्या मोटिव है? IITs में जाना है राइट, इसलिए, या फिर आपका कुछ रिसर्च का गोल है, क्या पर्पज है? सर, मेरे को IIT में जाना था, मतलब मास्टर्स करनी है IIT कॉलेज से, सर ये था मेरा। अच्छा, मास्टर्स करना है IIT से, बहुत अच्छी बात है। कई स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि हम IIT से मास्टर्स करें, इवन कई लोगों को पता भी नहीं रहता इस एग्ज़ाम के बारे में। आज के टाइम पे कई स्टूडेंट्स को पता है और बच्चे इसका एग्ज़ाम दे क्वालिफाई भी कर रहे हैं, उसमें आप भी एक वैसे ही हो, तो अच्छी बात है IIT में जाना। कई लोगों का ड्रीम भी रहता है कि 12th के बाद हम IIT में चले जाएं, बट वो नहीं जा पाते किसी वजह से, तो ये अपॉर्चुनिटी अपने पास रहती है, हम ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। ओके ऋषिका, वेरी गुड। तो जैसे हम IIT JEE की बात करें, तो जब आप प्रिपरेशन कर रही थी IIT JEE के दौरान, तो मुझे थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो आपने कैसे मतलब स्टार्ट किया, आपने स्टार्टिंग की रिसर्च क्या करी थी? बिकॉज अपन जब प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जानते हैं ना, तो आपका क्या था, आपने कैसे उस चीज़ को जाना कि ये क्या एग्ज़ाम है, इसके बारे में हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए और इसकी रिसर्च क्या थी? ओके सर, हम इस जुलाई के आसपास, मतलब मुझे पता चला था इसके बारे में जब रिजल्ट आया था, वो मार्च अप्रैल में रिजल्ट आया था, उसके बाद ही पता चला था। सर, मैंने पूरी सिलेबस की देखी थी एंड आप लोग के जो वीडियोज पड़े हुए हैं, शुभम सर हैं, एक मैथ्स पढ़ाते हैं IFS पे हैं, तो उन्होंने मैथ्स PYQ करा रखे हैं सर, तो उसको देखा था। फिर ये हुआ कि पहले सिलेबस देखते हैं, पूरा सिलेबस देखा, फिर ये देखा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने पूरी सिलेबस देखी हुई है। मैथमेटिकल फिजिक्स हमारा है, क्वांटम है, सॉलिड स्टेट है, कुछ 3-4 एरियाज है जिस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा था स्टार्टिंग में सर। ठीक है, तो जैसे देखो ऋषिका ने एक बात बोली और वो बात मैं हमेशा स्टूडेंट आपको बोलता हूँ कि इन्होंने क्या किया, पहले सिलेबस को देखा और फिर उस पर ये देखा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर उस पर काम करना शुरू किया। तो मैं आपको भी हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से देखें कि उस सिलेबस में क्या क्या है, और उस सिलेबस में भी पिछले PYQs में क्या क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको अच्छे से उस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। उस हिसाब से इन्होंने काम किया और इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुआ। तो ऋषिका, मुझे आप ये बताओ, जब प्रिपरेशन, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने प्रिपरेशन को जुलाई में स्टार्ट किया था, मतलब कितना महीना आपने टाइम लिया इसको क्वालिफाई करने के लिए, कब स्टार्ट किया था? सर, जुलाई में स्टार्ट करा था। जुलाई में स्टार्ट किया था, ओके, मतलब मैं कह सकता हूँ ठीक है, जितना एक इनफ टाइम होता है मतलब वो आपने लिया, जितना एक स्टूडेंट को लेना चाहिए अच्छी रैंक के लिए। सो कैसे तैयार किया चीज़ों को, आपका क्या रूटीन रहता था, और प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है, कई सारे अप्स और डाउन भी आते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके साथ कैसे, वो मुझे बताइए। सर, मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो टोटल सेल्फ स्टडी करा है, यूट्यूब से वीडियोस देख करके, कि मैंने सिलेबस लिया, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें तो पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसे वेक्टर की बात करें तो वेक्टर हमने गूगल करा या फिर यूट्यूब पे देखा, उसकी वीडियोस देखी, फिर क्वेश्चंस लगाए। सर, इस तरह से मैंने कंप्लीट करा था अपने ऋषिका ने बोला कि मैंने सेल्फ से किया, तो सेल्फ से भी चीज़ें पॉसिबल हैं, सेल्फ से भी चीज़ें करी जा सकती हैं, बस ये है आपको डायरेक्शन वे में मेहनत करनी पड़ेगी, जो इन्होंने डायरेक्शन वे में मेहनत करी होगी तभी इनका क्वालिफाई हुआ है। मुझे ऋषिका एक बात बताओ, जब आपने प्रिपरेशन करी तो प्रिपरेशन के दौरान अभी कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत टफ हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, शायद आप मतलब अभी कभी ऐसा मन हुआ कि नहीं बैक करते हैं, नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी आपके माइंड में आया? सर, ये था कि टफ है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, बट बैक का वो चांस नहीं था कि बैक नहीं करना है, मतलब ठीक है करना है, नहीं हो रहा है तो ठीक है छोड़ देते हैं, टाइम लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, फिर आके बट उसी को कंटिन्यू करा सर। वेरी गुड, देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली कि आपके साथ कई बार प्रिपरेशन के दौरान ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार अभी बहुत हो रहा है, एग्जाम टफ है, मेरा नहीं हो सकता, मेरे से तो न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, बट मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको वही चीज़ बार बार करनी है, आपसे बिल्कुल होगी, आपको पीछे नहीं हटना है। और वही चीज़ इन्होंने की, इन्होंने सपोज करो आपसे मैथमेटिकल का प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, क्वांटम का प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, बट आपको हार नहीं माननी है, आपसे एक बार में नहीं बनेगा, दूसरी बार में नहीं, बट तीसरी बार में वो चीज़ 100% आपको समझ में आएगी, है ना ऋषिका? ऐसे ही आपके साथ हुआ होगा, हर एक एस्पिरेंट के साथ ऐसा ही होता है,
इनिशियल फेसेस में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट धीरे धीरे हमारे साथ चीज़ें हैबिचुअल होती चली जाती है और उसी में हम बेहतर होते जाते हैं। राइट, बहुत अच्छा ऋषिका। एक बात और बताओ मुझे, आप जब आप अपन प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ? अच्छा, आपने सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? आपको कितना टाइम लगा सिलेबस कंप्लीट करने में? सर नवंबर तो सर नहीं हो, नवंबर में हो रखा था, लाइक एंड ऑफ द नवंबर। एंड ऑफ द नवंबर, और बिल्कुल सही टाइम है ये सिलेबस फिनिश करने का, एंड ऑफ द नवंबर, या फिर यू कैन से दिसंबर तक भी आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट। तो जब आपने सिलेबस फिनिश किया उसके बाद क्या क्या आपने टेस्ट सीरीज की तरफ गए, आपने टेस्ट सीरीज लगाई? सर हमने यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज करा, मतलब फॉलो करा था, जैसे आपका है IFS पे है मैथमेटिकल फिजिक्स का, शुभम सर का, तो मैंने सारे उनके एक एक क्वेश्चन देख रखे, एक एक वीडियो देख रखे सर, सो वो काफी हेल्पफुल रहा। मैंने टेस्ट सीरीज भी ली थी सर IFS की ही। ओके, तो वो भी ज्यादा देखो, अच्छा आपने टेस्ट सीरीज भी ली, अच्छी बात है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि एक एस्पिरेंट को टेस्ट सीरीज क्यों लगानी चाहिए? जैसे आपने टेस्ट सीरीज लगाई तो उस टेस्ट सीरीज से आपको कितना बेनिफिट हुआ, आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस में लेके आ पाए ताकि हर एक एस्पिरेंट जान पाए कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऋषिका, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं बट वो ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और वो कभी भी टेस्ट सीरीज को कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो सारे एस्पिरेंट आप अपने थ्रू ये बताएं कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, टेस्ट सीरीज क्यों देनी चाहिए बच्चे को? सर मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है, हम पूरी थियोरी पढ़ लेते हैं एंड उसके क्वेश्चंस नहीं बनते, बट जब हम टेस्ट सीरीज के थ्रू जाते हैं थियोरी पे तो हमारी थियोरी भी कंप्लीट होती है एंड टेस्ट हमारा, मतलब बेसिकली ये है कि हम क्वेश्चंस थियोरी पढ़े हैं तो अगर उनके क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन हमारा किस जगह से पूछ रहा है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, दो तीन कॉन्सेप्ट को सबमर्ज करके ही वो बनाते हैं जनरली। सो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज ये सबको, हाँ बिल्कुल सही है। तो टेस्ट सीरीज आपको इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, है ना। अब जैसे तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कौन बताने वाला है कि आप कितना अच्छे हो अपनी प्रिपरेशन में? अब आपने थ्योरी पढ़ ली तो आप नहीं जज कर सकते अपने आप को कि आप बहुत एग्जाम के लिए तैयार हो। जब तक आप प्रॉब्लम्स पे नहीं जाओगे, जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे टेस्ट सीरीज के थ्रू, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप कितना प्रिपरेशन में आगे जा रहे हो बाकी कंपटीटर से और कितना उस एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और टाइम मैनेजमेंट कैसे बन सकता है। वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज से ही आती हैं। तो ऋषिका अच्छी बात है आपने टेस्ट सीरीज लगाई और हर एक एस्पिरेंट टेस्ट सीरीज को जरूर लगाए। मुझे एक चीज़ और बताओ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्रिपरेशन के दौरान आपका फोकस थ्योरी पे ज़्यादा रहता था या फिर आपने क्या किया अपनी, जैसे बिकॉज क्या होता है हम कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कॉलेज में क्या होता है हमारा अप्रोच अलग होता है। जैसे कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं हम थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, डेरिवेशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि कॉलेज के साथ चीज़ों को कैसे मैनेज किया। एक तो इस सवाल का आप जवाब दें, आपने भी कॉलेज के साथ किया है, दूसरा इस सवाल का जवाब दें कि आपने कॉलेज वाले इन्वायरमेंट से न्यूमेरिकल अप्रोच से आप कैसे ट्रांसफर हुए, आपने कितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया। पहले सवाल का आप जवाब दीजिए कि कॉलेज के साथ हम कैसे मैनेज करें चीज़ों को। कॉलेज के साथ सर हमारे कॉलेज में जो हमें थ्योरी पढ़ाई जा रही है सेम थ्योरी इसकी भी है, बट वहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स नहीं कराए जाते हैं, तो मैंने क्या करा सर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लगाया था, थ्योरी वहाँ से पढ़ लिया, घर पे आके कुछ और एड ऑन करना था तो एड ऑन किया, उसके बाद सर क्वेश्चन ही लगाया, मतलब PYQ मैक्सिमम लगाया सर। PYQ मैक्सिमम लगाया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैक्सिमम PYQ सबसे ज्यादा आपको पहले PYQ लगाएं और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने क्वांटम थ्योरी पढ़ लिया, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लिया पूरा, फिर आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, आपको लगेगा कि आपको सब आता बट एक्चुअली आपको कुछ नहीं आता, है ना। जब आप न्यूमेरिकल लगाने बैठोगे तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा और एग्जाम में हमारा पूरा न्यूमेरिकल आता है, तो इस बात को स्टूडेंट जरूर ध्यान रखें। आप क्या करें, थ्योरी पढ़ लें बट मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कॉलेज के साथ जैसे ऋषिका ने किया, हर एक एस्पिरेंट कॉलेज के साथ ही मैनेज करता है चीज़ों को, आप भी कॉलेज के साथ ही कर सकते हैं इस एग्जाम को, कोई भी बड़ी बात नहीं है, सभी स्टूडेंट कॉलेज के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। ऋषिका मुझे थोड़ा सा एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, जब प्रिपरेशन अपन करते हैं तो आपका मतलब कितना घंटा, एक स्टूडेंट्स के माइंड में रहता भी है कि सर कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, तो आप कितना घंटा रेगुलर पढ़ते थे या फिर किस टाइम पे पढ़ते थे, आपका फेवरेट टाइम क्या था? सर मेरा फेवरेट टाइम सर इवनिंग में है, लाइक 7 to 12 इस तरह से, नाइट आउट, लाइक पूरी नाइट राइट। मतलब आपको क्या लगता है कि, वैसे तो ये क्वेश्चन जायज है कि मतलब इंडिविजुअली वाइज डिपेंड भी करता है, बट एक फिर भी रफ आइडिया होता है कि डेली आप कितना घंटा देती थी आईटी जेम को प्रिपरेशन को? सर डेली के बेसिस पे देखा जाए तो मिनिमम 3 घंटे तो मैंने दिया ही है, मतलब क्वेश्चन बनाने में, थ्योरी को हटाने के, थ्योरी को हटाने के बाद क्वेश्चन बनाने में। तो देखो एस्पिरेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने, इसलिए आज इनका एग्जाम क्वालिफाई है। बहुत अच्छा मुझे लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अगेन आपको। दूसरा एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी आप हमारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए क्या एक संदेश दे सकती हैं,
दूसरी चीज आपके आगे के गोल्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, थोड़ा सा अगर शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ तो अच्छा लगेगा उन्हें भी। और जो आईआईटी जेईई 2024 का टारगेट है जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि थ्योरी पढ़े, थ्योरी के अलॉन्ग हमें पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना पीवाईक्यू हम करेंगे हमें क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है उसका ज्यादा आइडिया होगा, हम बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक जो भी आगे के लिए प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, और सर उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि वो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे, थ्योरी को ठीक है साथ लेके चले बट उनका कि क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे सर, बस। बिल्कुल सही बोला ऋषिका ने। तो बच्चों सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं भी आपको हमेशा ये बोलता हूँ, ऋषिका जो आईटी जेईई ऑलरेडी क्वालिफाइड है, क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो अच्छा लगा ऋषिका आपसे बात करके, कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।